नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज देश भर में मनाई गई प्रथम प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। हरियाणा में कोरोना के 3,138 नए मामले, 106 लोगों ने तोड़ा दम। सरकार के खिलाफ किसानों का रोष प्रदर्शन जारी, कानून वापसी पर अड़े किसान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कोरोना के नए केसों में जहां बढ़ोतरी हुई तो वहीं मौतों की संख्या में कमी आई। प्रदेश में 3,138 नए मामले सामने आए, जो कि बीते दिन के मुकाबले अधिक हैं। बीते दिन कोरोना के 2,817 नए केस सामने आए थे। वहीं राज्य में महामारी के कारण 106 मौतें हो गई हैं। बीते दिन मौतों की संख्या 128 थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में अब तक 7,47,740 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,08,255 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। अभी प्रदेश में कोरोना के 31,644 एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में अब तक कुल 7,841 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। इस कोरोना काल में शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सफाई कर्मियों के हाथ में है, जिसके चलते आज अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने सभी सफाई कर्मियों से कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की और साथ ही यह दिशा निर्देश भी दिए कि यदि किसी को इंजेक्शन लगाने से बुखार होता है और वह 1-2 दिन की छुट्टी करता है तो उसका 1-2 दिन के अवकाश की सैलरी ना काटी जाए। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में गुरुवार को कालका विधानसभा से विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश में औद्योगिकरण, कृषि क्रांति के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि उनके पदचिन्हों पर चलकर ही हम उन्हें आज उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मन से नमन करते हैं। गोंदेगांव में केंद्रीय बैंक के सामने बुढ़ापा पेंशन व किसान मानदेय लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बैंक कर्मचारियों से परेशान लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मचारी वेरिफिकेशन करने के लिए अपने उपभोक्ताओं को बाहर दुकानों पर भेज देते हैं, जिस कारण दुकानदारों का काम भी प्रभावित होता है। और दुकानदारों का कहना है कि वे बैंक कर्मचारी ही वे वेरिफिकेशन करने के लिए बाहर ड्यूटी लगाई जाए। और इस संबंध में बैंक मैनेजर जवन शकील का कहना है कि बुजुर्गों को बार बार समझाया जा रहा है कि लेकिन फिर भी अंदर आने के लिए जिद करते रहते हैं कि पिछले साल टेंट भी लगाया गया था, वह भी फाड़ दिया गया और दोबारा से टेंट लगाया जाएगा ताकि उपभोक्ता गर्मी में ना खड़े। बुजुर्गों की पेंशन आई हुई है, जो इनकी हर महीने पेंशन आती है, बुढ़ापे वाली, विकलांग वाली, विधवा वाली, और 2,000 रुपये सरकार ने किसानों को दिए हैं जो उनके खाते में, तो उसको लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। और इनके लिए कोरोना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हमने इनको काफ़ी समझाया है। पिछले साल भी ऐसा ही था, इस साल भी फिर से वही टाइम आ गया है कि बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। हमने इनके लिए प्रबंध भी कराया है कि इनको टोकन देना शुरू कर दिया था कि जितने टोकन बांटे हैं बस उतने लोग आराम से जाके छाया में बैठ जाएँ, सामने छाया का प्रबंध है और जब आपको बुलाया जाए तब आएँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। इनको होता है कि अगर आज पेंशन आई है तो आज ही निकालनी है वरना दोबारा पेंशन मिलेगी नहीं, तो ये टूट पड़ते हैं बैंक की तरफ। हमने भी अपनी जो फोर्स है, मतलब जितने हमारे पास स्टाफ है, वो भी बढ़ा रखा है ताकि 2-2, 3-3 काउंटर कैश के लिए चला रखें ताकि इनको जल्दी जल्दी दे सकें। लेकिन हम भी दिन में कुछ लिमिटेड काम ही कर सकते हैं जितना हम संभाल सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, पेंशन सबको बांट दें तो ये बिल्कुल खत्म हो। युवा के अब तक 1 साल हो गया उस बात को, बीच में लॉकडाउन भी खुला था, सारे काम हुए, लेकिन बैंक वालों ने सोचा नहीं कि इस भीड़ को कंट्रोल करें, क्योंकि पेंशन हर महीने मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने में एक बार है या साल में एक बार है, ये समस्या हर महीने हर 20 या 22 तारीख से 25 तारीख तक होती है। और पेंशन इतना बड़ा गाँव है, एक बैंक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जैसे हमारे जैसे हैं जिनको अदर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, हमारे फीस भी जमा करवानी होती है और भी एक्टिविटी है, एक बैंक का ना एटीएम भी इसी के अंदर है। एटीएम भी मतलब ये है कि भाई एटीएम इसके अंदर वो चलता ही नहीं है। मेरे ख्याल से 1 साल में 2 या 3 बार हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। अगर एटीएम को बाहर निकलवा दें तो जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमारे जैसे हैं एटीएम से बैलेंस निकालना, वो निशिंग जाना पड़ता है, निशिंग पुलिस का इतना पैरा है कि कुछ और हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये दिक्कत है। तो थोड़ा हमारे बैंक को लगा लो या हमारे सिस्टम को लगा लो, थोड़ा सुधार करके, एक तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग के लिए शेड, पानी की तो चलो हो गई है, पिछले साल नहीं थी, और थोड़ा सा आधार कार्ड लिंक का हम तो यही कहेंगे कि उपभोक्ताओं को धूप में खड़े रहना पड़ता है। कौन सा बैंक है ये केनरा बैंक।
अलग अलग जगहों पर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। करनाल में रोष प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा के प्रदेश प्रभारी महेश राठी की अगुवाई में लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर सरकार की शव यात्रा निकाली। यह शव यात्रा गुरुद्वारा डेरा कार सेवा करनाल से प्रारंभ होकर घंटाघर चौक तक निकाली गई। तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके विरोध में किसानों ने सरकार की शव यात्रा निकालकर घंटाघर एवं वाल्मीकि चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। किसानों की मांगे मजदूरों की मांगे सरकार नहीं मानती, तब तक इन नेताओं को मोदी को खट्टर को 100-100 बार मरना पड़ेगा। इनके हम हर बार पुतले जलाएंगे और इनकी आने वाली संतानें याद करेंगी कि कोई ऐसा क्रूर राजा हुआ था जिसने किसानों के ऊपर अत्याचार किए। ये जो लोग हैं क्रूर, इनके विरोध का मुंह देखना पड़ेगा। हम हर बार इनका पुतला जलाएंगे और इनको एहसास कराएंगे कि ये जो समय है, ये किसानों के प्रति जो इनकी क्रूरता है, ये हमारे भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनवाई नहीं हो रही अभी तक किसानों की, क्या लग रहा है? 6 महीने हो गए, आज 7 साल भी पूरे हुए हैं। मोदी सरकार ने जब 26 मई 2014 को शपथ ली थी, आज 7 साल भी पूरे हो गए। भाई साहब, किसानों की बात आखिर मानी जाएगी? हम वो कौम है जो कभी हारे नहीं है। समय भला ही ज्यादा लग जाए, लेकिन हम हारेंगे नहीं, जीत कर लौटेंगे। एक तरफ आप जो है पुतले जला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी महल तैयार किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना है? मोदी महल का, ट्रंप की तरह मोदी महल तैयार किया जा रहा है? मोदी महल का विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है, सारे देश में जागृति आ गई है। छोटे से छोटा व्यक्ति, जो नीचे दर्जे का वर्ग का व्यक्ति है, वो भी जान गया कि ये सरकार गंदी है, गंदी है और इसका डाउनफॉल होना चाहिए। अंबाला के गांव फतेहगढ़ साहिब के सरपंच व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी का पोस्टर उसके घर के गेट पर लगाने का मामला सामने आया है। गांव में चर्चाओं का माहौल गर्म है। पोस्टर में लिखा गया है कि उसे व उसके परिवार को मार दिया जाएगा और यह डेथ वारंट है। फिलहाल सरपंच ने इसकी सूचना संबंधित पुलिस को दे दी है और पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। विक्रांत जी, ये क्या मामला है जो आपके घर का पोस्टर लगा हुआ है? ऐसा है कि ये रात को ही पता नहीं किस समय आया कोई बंदा अज्ञात, और ये पोस्टर हमें सुबह लगा हुआ मिला। 6:30 बजे मेरे ब्रदर आए तो उन्होंने जैसे ही देखा तो ये पोस्टर लगा हुआ मिला है। तो सर, इसकी कोई कंप्लेंट अगर आपने? इसकी हमने कंप्लेंट SP हेडक्वार्टर, मैंने फ़ोन कर दिया था, CID वालों को भी फ़ोन किया, प्रशासन के पूरे अधिकारियों को इसकी इंटीमेशन जा चुकी है और पुलिस की टीम यहाँ आ चुकी है और वो हमारी कार्रवाई करके ले गए हैं। उनका बार बार यही कहना था कि आपको किसी के ऊपर शक है, लेकिन जब तक हमें कोई किसी चीज़ की कोई हमें किरण नहीं दिखाई देती, तो बिना वजह के हम किसी के ऊपर शक कैसे करें? ठीक है, और ये नहीं पता कि किन शरारती तत्वों का काम है। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे एक राजनीति का शिकार बनाने की 2 साल से कोशिश हो रही है। सर, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे सरपंच अपने जो विक्रांत शर्मा जी हैं, तो उनके घर पे किसी ने, अननोन व्यक्ति ने, शरारती तत्व ने एक पोस्टर लगाया हुआ है। तो उस सूचना फिर हम जाके आए वहाँ पे, हमने देखा पोस्टर लगा हुआ था और अपना विक्रांत जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपना बयान भी लिखवाया है। उन्होंने ये बताया कि मुझे किसी पर शक नहीं है, ना मेरी किसी रंजिश है, तो अभी देख रहे हैं इसको। सेवा भारती की ओर से सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने रक्तदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सेवा भारती की पूरी टीम दिन रात अथक मेहनत, समर्पण और लगन के साथ दायित्व निर्वहन में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है और हम सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। देशभर में आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। करनाल में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। चाट भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मजबूत भारत की नींव रखी। पंडित नेहरू के प्रयासों से आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। आज देश भर में उन्हें याद किया गया है।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।